तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओ सॉरी, हाय फ्रेंड्स। बहुत लंबे टाइम बाद आप लोगों के साथ फिर से वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और आज जिस महान शख्स की वीडियो लेकर मैं आया हूँ लाइब्रेरी साइंस की दुनिया में, इनका नाम बहुत ही उग्र श्रेणी में है, बहुत ही ऊंची कैटेगरी में है। ये शख्स और कोई नहीं, ALA में 3 साल तक लगातार प्रेसिडेंट रहने वाले हमारे सबके जानकार, जिन्होंने DDC जैसी बड़ी हमें क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी, मिस्टर मेलवेल डेवाई। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिस्टर मेलविल डेवाई के बारे में। तो आइए इनसे जुड़ी हुई कुछ खास बातें जानते हैं। सबसे पहली बात, मेलविल डेवाई का पूरा नाम है मेलविल लुइस कोसुट डेवाई। ओके, लुइस कोसुट डेवाई इनके डैड थे, जिसकी वजह से इनका पूरा नाम हो चुका है मेलविल लुइस कोसुट डेवाई। ओके, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इन्होंने जन्म लिया था December 10, 1851, 10 दिसंबर 1851 में इन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। और इनकी जो बर्थ प्लेस है वो है एडाम सेंटर, न्यूयॉर्क, अमेरिका के शहर एडाम सेंटर न्यूयॉर्क में इन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। और डाइड डेट December 26, 1931 में इनका निधन हो गया था, जब इनकी उम्र 80 थी, जब ये 80 साल के हुआ करते थे। और जिस जगह इनकी डेथ हुई थी, वो जगह का नाम है लेक प्लासिड, फ्लोरिडा। ओके, ये इनकी फोटो है, आप इन्हें देख सकते हैं, मेलविल डेवाई। ओके, चलिए अब बात करते हैं इनकी स्पाउसेस यानी इनकी पत्नियों के बारे में। इनकी दो पत्नी रही थी। पहली पत्नी का नाम था एनी आर गॉडफ्रे, जिनसे इन्होंने 1878 में शादी की थी। ओके, उसके बाद इनकी दूसरी बीवी का नाम था एमिली मैके बील, जिनसे इन्होंने 1924 में शादी की थी। इनके एक सुपुत्र थे जिनका नाम गॉडफ्रे डेवी था, और ये ओलंपिक खेलों के मैनेजर रहे थे, मेलविल डेवी के पुत्र। ओके, और इन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो सबसे बेस्ट चीज़ दी है, जिसके लिए हर लाइब्रेरियन इनको जानता है, उसका नाम है DDC, डेवाई डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे इनकी एजुकेशन से रिलेटेड। इन्होंने 1874 में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी थी, ठीक है। अपनी बैचलर डिग्री इन्होंने 1874 में कंप्लीट करी थी, और उसके बाद इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करी है 1877 में, ठीक है। और इन्होंने स्पेलिंग रिफॉर्म्स का की डिस्कवरी करी थी। स्पेलिंग रिफॉर्म्स यानी कि स्पेलिंग को सही तरीके से एडजस्ट करना, जिससे उसकी प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से हो पाए, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग, जो पहले इस तरीके से हुआ करती थी MELVILLE, इसकी स्पेलिंग फिर इन्होंने बाद में चेंज करी MELVIL के रूप में, ठीक है। पहले मेलविल की स्पेलिंग थी MELVILLE, जिसके बाद उन्होंने उसको चेंज किया है MELVIL के रूप में, ठीक है। ओके, लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में, एंड अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, लाइब्रेरी साइंस की दुनिया में ये बहुत बड़ा नाम हुआ मेलविल डेवाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहली बात तो इन्होंने DDC का निर्माण कर दिया था, डेवाई डेसिमल क्लासिफिकेशन का निर्माण कर दिया था, जो क्लासिफिकेशन स्कीम में बहुत बड़ी स्कीम मानी जाती है, ठीक है, जिससे बड़ी बड़ी क्लासिफिकेशन हम इजीली कर पाते हैं। और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, उसके अंदर ये 1876 से लेके 1891 तक इन्होंने एज अ सेक्रेटरी काम किया था, और उसके बाद 1891 में ये प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट हो गए थे, और 1891 से लेके 1893 तक इन्होंने वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट काम किया था, ठीक है। ओके, इनकी लाइफ से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी भी है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1905 में इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट, रेसिज्म और एंटी सेमेंटिज्म जैसे बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
तो ये सारी जानकारी थी आपकी मेलविल डिवाइस जी के बारे में, जो लाइब्रेरी साइंस में एक बहुत बड़ा नाम है और जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं, DSSB राजस्थान में और अपने KVS में, NVS में, इन सब जगहों पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी था। तो आज के वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की मैं और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।